हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि 2008 में रिलीज हुई फिल्म आमिर खान की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फिल्म जिसने एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया था, गजनी, उस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आप मानेंगे? जी हाँ, ये खबरें बहुत सही हैं। खबरें हैं कि तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर ए आर मुरुगदास ने इशारा किया कि वो साल 2005 में अपनी सुपरहिट तमिल फिल्म के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं। मूल रूप से तमिल में बने इस फिल्म में सूर्या, आसिन और नयनतारा लीड रोल में थे। 3 साल बाद 2008 में मुरुगदास ने अपने इस फिल्म को हिंदी में रीमेक किया था, जिसमें आमिर खान और आसिन के साथ जिया खान भी थी। दोनों ही लैंग्वेज में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी, बल्कि हिंदी में इसे 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली फिल्म का तगमा भी मिला था। अब करीब 3 साल के ब्रेक के बाद ए आर मुरुगदास डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं और चर्चा की उन्होंने इसके लिए गजनी 2 को चुना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ए आर मुरुगदास अपनी इस बम्पर फिल्म को फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी में है। हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली बयान या ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं आया, लेकिन समझा जा रहा है कि गजनी 2 पैन इंडिया रिलीज होगी। मतलब इस बार अलग से हिंदी में रीमेक की बजाय मुरुगदास एक साथ फिल्म को तमिल के साथ तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज करेंगे। गजनी फिल्म की कहानी करोड़पति संजय और स्ट्रगलिंग मॉडल एक्ट्रेस कल्पना की प्रेम कहानी थी। दोनों की प्रेम कहानी का एंड बहुत ही दुखद हुआ था। ऐसे में इस बार इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के सीक्वल की कहानी क्या होगी, इसको लेकर भी एक्साइटमेंट बढ़ना लाजमी है। हालांकि इसी के साथ ये अटकलें भी लगनी शुरू हो गई कि सीक्वल फिल्म में मुरुगदास लीड रोल में किसे कास्ट करेंगे। सूर्या हमेशा से ए आर मुरुगदास के फेवरेट रहे हैं, जबकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी 2008 में इस फिल्म के रीमेक में जान डाल दी थी। दोनों ही फिल्मों के राइटर मुरुगदास ही थे। वहीं आसिन ने दोनों ही फिल्मों में लीड रोल प्ले किया था, जबकि तमिल में जो रोल नयनतारा ने निभाया था वही किरदार जिया खान ने प्ले किया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहना है कि ए आर मुरुगदास ने गजनी 2 में सूर्या को फिर से कास्ट करने का मन बनाया है। देखा जाए दोस्तों तो सूर्या इन दिनों अपने करियर के बहुत ही बेहतरीन फेज में है। उनकी पिछली फिल्में, चाहे आप उठा ले जय भीम, सोराराय पोटरू या जो अभी हाल ही में रिलीज हुई विक्रम, जिसमें उन्होंने रोलेक्स का रोल प्ले किया, कमाल का है और जमकर वाह वाह लूटी। रिसेंट की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं उन सभी से उन्होंने एक जबरदस्त छाप छोड़ी है ऑडियंस पर। ए आर मुरुगदास की पिछली 3 फिल्में स्पाइडर, सरकार और दरबार, इन तीनों ने ही फैंस को निराश किया है। ऐसे में इस बार वो ब्रेक के बाद हर तरह से कमर कसकर वापसी करना चाहते हैं। यदि गजनी 2 में सूर्या होते हैं तो ए आर मुरुगदास और सूर्या के साथ ये तीसरी फिल्म होगी। बताया जा रहा है कि गजनी 2 में बिजनेसमैन संजय सिंघानिया की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि आगे कहानी में क्या देखने को मिलता है। देखा जाए दोस्तों तो बॉलीवुड के सभी दीवाने हैं और गजनी फिल्म तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए बता दें कि गजनी की कहानी केंद्र में मोबाइल फोन कंपनी के मालिक संजय सिंघानिया की है। उनकी मुलाकात एक स्ट्रगलिंग एक्टर कल्पना से होती है। संजय उसे ये नहीं बताना चाहता कि वो कौन है और एक नॉर्मल बंदा बनकर उससे प्यार करता है। दोनों अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करने वाले थे, लेकिन एक पुरानी रंजिश और फिर एंट्री होती है विलन की, जो कल्पना की हत्या कर देता है। संजय को भी गंभीर चोट आती है और इस कारण वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार हो जाता है, यानी कुछ मिनटों के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इस बीच संजय की जिंदगी में दोस्त बनकर एक मेडिकल स्टूडेंट आती है, जिनका नाम होता है जिया खान। संजय सब भुला चुका है, लेकिन उसने खुद के शरीर को गुदवा कर कल्पना की हत्या और गजनी को मारना है, ये सब लिखा है। गजनी फिल्म के एंड में वो अपना ये बदला पूरा भी कर लेता है। एट द एंड क्या हम देखते हैं कि वो ठीक भी हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अब लेकिन आगे की कहानी में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस बात की एक्साइटमेंट एक अलग ही बनी हुई है कि क्या आगे कहानी वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा या कुछ नया हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। वेल, इस बात की एक्साइटमेंट बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि गजनी 2 नाम से आप कितने एक्साइटेड हो गए हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियोज।